रिद्धि के पिता गिरधारी जी आज अपने बेटे की उदासी दूर करना चाहते थे, इसलिए अपनी बिटिया के चेहरे पर मुस्कान देखने की भरसक कोशिश कर रहे थे। पर रिद्धि के पग फेरे के बाद ये चौथी बार रिद्धि मायके आई थी। इस बार जब से वो ससुराल से आई थी बहुत उदास रहती थी, बिल्कुल बुझी बुझी सी। क्या बात है रितु, तो इस बार जब से ससुराल से आई है उदास रहती है? तेरे ससुराल में सब ठीक है ना? कई बार उसकी माँ कल्याणी जी ने जानने की कोशिश की। उनके लिए बेटी के हृदय की थाह लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। चंचल बातों की बिटिया ससुराल से खामोश होकर आए तो माँ को चिंता होना स्वाभाविक है। पापा, माँ, नीता हो या भैया हो, घर में हर कोई पूछता कि रिद्धि तुम इतनी गुमसुम क्यों हो, क्या बात है? लेकिन रिद्धि सबकी बात को टाल जाती थी। चार दिन हो गए थे उसे ससुराल से आए हुए। इसी बीच ना तो सास ससुर का या ननंदों का कोई फोन आया था। हाँ, पति का फोन एक बार जरूर आता था, पर रिद्धि फिर भी उदास थी। चौथे दिन जब रिद्धि बिल्कुल उदास होकर छत पर बैठी थी, तब उसकी माँ कल्याणी जी दो कप चाय लेकर वहां पहुंची और कोशिश करने लगी कि बेटी के हृदय की थाह ले सके। तो इतना उदास मत रहा कर बच्चे, बता तो सही बात क्या है? उनके इतना कहते ही रिद्धि छोटी बच्ची की तरह उनकी गोद में सर रख कर रोने लगी। अरे क्या हुआ बेटा? अब रिद्धि से रहा नहीं गया, उसने कहा, माँ जब से मैं शादी करके उस घर गई हूँ, मुझे लगता है उस घर में कोई मुझसे खुश नहीं है। ना तो मैं अच्छे से चाय बना पाती हूँ और ना अच्छा खाना बना पाती हूँ। ऊपर से किसी को मेरे हाथ का बनाया खाना पसंद भी नहीं आता है। मैं जब सफाई करती हूँ किसी को पसंद नहीं आता, वो रोज के कपड़े भी आयरन करते हैं जबकि मैं संडे के संडे करती हूँ। ऐसे ही बहुत सारे काम है जिसमें मुझसे गलती हो जाती है, मेरी तरफ से ही सब गड़बड़ होता है। बेटा इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? शादी की शुरुआत में सभी लड़कियों को यह सब सहना पड़ता है। काम करने की आदत नहीं होने की वजह से जब अचानक काम करना पड़ता है तो गलतियां होनी स्वाभाविक है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम इसकी परवाह मत करो। कल्याणी जी ने अपने बेटे की बात पर मुस्कुराकर कहा, बेटा कुछ भी गड़बड़ नहीं है, हर नए घर में सेटल होने में टाइम लगता है, कोई भी चीज एक बार में सही नहीं हो जाती। तुम थोड़ा समय तो दो, तुम्हें थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा समय दो बेटा, थोड़ा उन लोगों को भी समझने की कोशिश करो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो सब तो मैं सही कर लूंगी माँ, लेकिन मैं जो भी काम करती हूँ उनमें मेरी ननंदे मिनमेख निकालती है, और कभी कभी सास मेरी प्रशंसा करने भी लग जाती है तो मेरी दो ननंदे आकांक्षा और अंकिता मेरी शिकायत करने लग जाती है, और मुझसे कभी थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो उसे बड़ा चढ़ा कर सास के गुस्से की आग में घी डालने का काम करती है। ये बात भी बहुत बड़ी नहीं है मेरी बच्ची, जब तुम अपना काम बहुत अच्छे से करोगी तब कोई तुम्हारी चुगली नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारे काम में कोई कमी निकाल ही नहीं पाएगा। क्या माँ तुम सही कह रही हो? क्या ऐसा सच में हो पाएगा? क्योंकि जब सास मुझे डांटती है या भला बुरा कहती है तो मैं देखती हूँ कि निशांत का भी मुंह बन जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि बार बार मेरी गलतियां सामने आने से निशांत का प्यार मेरे लिए कम हो जाए। मैं उसका प्यार नहीं खोना चाहती माँ, मैं उस घर में अपने पति के प्यार के सहारे तो हूँ। अगर मेरी इतनी गलतियां देख कर वो भी मुझसे नफरत करने लगेगा तब मैं कैसे जीऊंगी माँ, कहकर और जोर से रिद्धि रोने लगी। वैसे तो कल्याणी जी से अपने बेटी का रोना देखा नहीं जा रहा था, लेकिन उसे समझाना भी जरूरी था, इसलिए बिना भावुक हुए स्वर को संयत रखते हुए रिद्धि के सिर पर हाथ फेरते हुए समझाने लगी। देखो रिद्धि बेटा, मैं तुम्हें पहले भी बोल चुकी हूँ कि अभी काम में गलतियां होना स्वाभाविक है, इस पर दुखी होना इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम अभी अनाड़ी हो, उस घर के नियम कानून भी नहीं जानती और रसोई के गुर भी नहीं जानती। तो बेहतर है कि घर के जो काम तुम्हें नहीं आते या फिर जो नियम कानून नहीं समझ में आते वो सब तुम अपने सास से पूछ लिया करो, क्योंकि वो घर की मुखिया है और बड़ी है,
जब कोई बड़ा होता है और उन्हें उनके बड़प्पन का एहसास कराया जाता है, उन्हें पर्याप्त सम्मान दिया जाता है, तब वो भी अपने आप के प्रति जिम्मेदार हो जाते हैं और छोटों के साथ कभी खराब व्यवहार नहीं करते। जब तुम्हारी सास को ये लगेगा कि तुम उनकी जगह नहीं ले रहे हो, बल्कि उनसे बेटी की तरह सब कुछ पूछकर काम कर रहे हो और घर उनके अनुसार अभी भी चल रहा है, तब उनका डरा हुआ मन तुम्हारे प्रति प्रेम और अपनेपन से भरना शुरू हो जाएगा। मैं कुछ समझी नहीं माँ, तुम कहना क्या चाहती हो? रिद्धि ने बड़ी उलझन भरी निगाह से माँ को देखकर पूछा। बेटा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी सास को पर्याप्त सम्मान दो, वो बुजुर्ग है तो उन्हें बड़प्पन दो और घर के महत्वपूर्ण निर्णय अपनी सास से पूछ कर लिया करो। इससे उन्हें तुम पर गुस्सा भी नहीं आएगा और उनका विश्वास तुम पर जमेगा। वो तो फिर भी ठीक है माँ, वो कभी डांटती है तो कभी कभी प्यार भी करती है, पर ये जो दोनों ननंदे हैं ना, ये दोनों एकदम जासूस की तरह मेरे पीछे पड़ी रहती है, इनका क्या करूं मैं? अभी अभी तो कहा था ना मैंने बेटा कि बड़ों को सम्मान देने के साथ छोटों को प्यार दिया जाता है, तो तुम्हें दोनों ननंदों को प्यार देना होगा, अपने किसी महत्वपूर्ण काम में इनको भी शामिल किया करो और साथ ही तुम्हें थोड़ा त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि ये घर की बेटियां हैं और भाभी के आने से इन्हें लगता है कि इनकी जगह छीनने वाली है, इसलिए वो तुमसे ऐसा व्यवहार कर रही है। वो जब ये देखेगी कि तुम उन दोनों को भी प्यार कर रहे हो और उसके भैया को उनसे नहीं छीन रहे हो, तब वो दोनों तुम्हारी चुगली नहीं किया करेगी और तुम पर विश्वास करने लगेगी और उनको तुमसे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ओ माँ, तो ये बात है कि आकांक्षा और अंकिता के मुझसे नाराज होने की? मुझे लगता था कि मैं ही बुरी हूँ, मुझे काम नहीं आता इसलिए वो दोनों सास के गुस्से में आग का काम करती हैं। रिद्धि ने मासूमियत से कहा तो उसकी माँ को अपनी भोली बिटिया पर बहुत ही प्यार आया। उन्होंने रिद्धि का माथा चूमते हुए आगे कहा, देख मेरी लाडो, तुम ऐसी गलती मत करना जैसी गलतियां लगभग हर नवविवाहिता करती है। जैसे कि तुम लोग कहीं भी घूमने जाओ तो तुम्हें थोड़ा त्याग करना पड़ेगा, कभी तुम और निशांत बाजार या कहीं और जाओ तो अपनी ननंदों के लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर जरूर आओ, हो सके तो सास ससुर के लिए भी कोई उनके काम का सामान लेकर आया करो, इससे घर में सब प्रसन्न होंगे और तुम्हें बहुत दिल खोलकर अपनाएंगे और ननंदे तुम्हारी चुगली तुम्हारी सास से करना छोड़ देंगी और तुम्हारी बुराई भी कभी नहीं करेगी। दोनों छोटी ननंदों को अपनी छोटी बहनों की तरह प्यार दो, फिर देखना पूरा परिवार एक सूत्र में बन जाएगा और तुम्हें वो लोग बाहर से आए हुए नहीं समझेंगे, बल्कि अपने ही परिवार का एक अंग समझेंगे। और हाँ, अगर कभी सास डांटेगी तो सिर झुकाकर सुन लिया करना, वो बड़ी है, तुम्हारे भले के लिए ही कहती है, और जब दोनों ननंद को तुम प्यार करोगी तो वो दोनों भी तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएंगी। वाह माँ, ये तो तुमने मुझे बहुत ही अच्छा टिप्स दिया है, अब तो मैं ससुराल में सबको खुश रखूंगी और चाहे मैं कैसा भी खाना बनाऊ सबको पसंद आएगा और लोग मेरी तारीफ करेंगे। रिद्धि उछलकर बच्चों की तरह ताली बजाकर बोली। तब तक उसके पापा गिरधारी जी भी आ चुके थे और छोटी बहन और भाई नीता और नितेश भी बैठक में आकर बैठ गए थे। कल्याणी जी ने अब गंभीर होकर कहा, ऐसा नहीं है बेटा कि जब तुम अच्छा खाना नहीं बनाओगी तो लोग न तो तुम्हारी तारीफ करेंगे और न ही तुम्हें पसंद करेगी, घर गृहस्थी की कुछ गुड बातें तुम्हें सीखनी पड़ेगी, तभी तुम एक परफेक्ट बहू बनोगी। याद रखो, कामकाजी हो या घरेलू हो, घर का काम तो आना ही चाहिए और घर का काम करने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। स्त्री को गृहिणी या गृहलक्ष्मी कहलाने में खुद अपने प्रति सम्मान की भावना आनी चाहिए। घर संभालना और रिश्तों को संभालना कोई छोटा काम नहीं है। आज रिद्धि अपनी माँ की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी और समझने की पूरी कोशिश कर रही थी। कल्याणी जी को भी पता था कि रिद्धि एक दिन में सब कुछ नहीं सीख जाएगी, कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा, बस धीरे धीरे उसे घर गृहस्थी के कामों में पारंगत होकर ससुराल के बागडोर संभालनी होगी और रिश्तों को निभाते निभाते खुद को साबित करना होगा, तभी उसे सबकी इज्जत और प्यार मिलेगा। पहल अगर रिद्धि करेगी तो उसके ससुराल वाले भी उसके गुणों से प्रभावित होकर उसे प्यार जरूर करने लगेंगे।
इस तरह एक हंसते खेलते परिवार का निर्माण करने में घर के बहू रिद्धि का भी अहम योगदान होगा। अब धीरे धीरे कल्याणी जी रिद्धि को रोज थोड़ा रसोई का काम सिखाती और थोड़ा घर संभालना भी सिखाती थी। कुछ दिनों में उनके लाडली बिटिया में काफी बदलाव आ गया था। अब उसकी सोच भी बदल रही थी। एक दिन उसके पति निशांत का फोन आया तो रिद्धि ने बहुत समझदारी से फोन उठाया और खिलखिलाते हुए बोली, आज मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी। मम्मी जी, आकांक्षा और अंकिता कैसे हैं? उनकी भी याद आती है। जब से यहाँ आई हूँ उन्होंने तो कोई फोन ही नहीं किया। अब निशांत थोड़ा शर्मिंदा होते हुए बोला, मम्मी और दोनों बहनें तुम्हें बहुत याद करती हैं। उसी दिन शाम को रिद्धि के पास उसकी सास का फोन आया और दोनों ननंदों ने भी उससे खूब बात की और उसे जल्दी आने को भी कहा। उनसे बात करके रिद्धि एकदम खुशी से गदगद हो गई। इसके ठीक दो दिन बाद निशांत का फोन आया कि वो उसको लेने आ रहा है और बोला, अरे बेगम, इस नाचिस के बारे में भी जरा सोचो। बेचारे का तो तुम्हारे बिना मन ही नहीं लगता, इसलिए हम अपनी बेगम को लेने आ रहे हैं। निशांत की रोमांटिक बातें सुनकर वो शर्मा गई। माँ की सीख सच में बहुत काम आई थी कि पति के साथ घर में पूरे परिवार को अपनाओ। रिद्धि उत्साह से ससुराल जाने की तैयारी कर रही थी। अब उसे शादी के बाद अपनी नई जिम्मेदारी का एहसास हो रहा था। उसे अब नई जिम्मेदारी में मिठास के रूप में पति का प्यार का अनुभव हो रहा था, जो उसके मायके आने पर उसे इतना याद कर रहा था और जब तब उसे फोन करता रहता था। रिद्धि समझ रही थी कि हर लड़की को शादी के बाद दो घरों में, दो भाग में जिंदगी जीनी पड़ती है। मायके में अलग सी बेपरवाह सी जिंदगी और फिर ससुराल में भी एक अलग जिंदगी जीनी पड़ती है। जिंदगी खुश होकर जीना हो तो उसके लिए थोड़ी तैयारी करनी जरूरी है। ससुराल में हर नए रिश्ते को अपनाना पड़ता है, तभी वो रिश्ता अपना बनता है और घर भी अपना लगता है। बस सभी को ये मंत्र याद रखने की जरूरत है, बड़ों को मान सम्मान और छोटों को प्यार, इससे सुखी रहता हर घर परिवार। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपके क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और ऐसी और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।